चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं है बबल। हाय जानू तुम कितनी संग दिल हो यार, तुम्हारा मियां कितनी अजियत में और तुम मोबाइल पे लगी हुई हो यार। ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे दिया तुमने नबील के, इतने थक गए हो? और जानू तुम्हें क्या पता, तमाम दिन सोफे पर लेट के महमूद साहब की पसंद की पश्तो फिल्में देखना कोई आसान काम है यार? मोबाइल लेटे लेटे हाथ पांव कमर सब में दर्द हो जाता है यार। जानू जरा मेरे पांव ही दबा दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया नबील? ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ये हादसा मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। वैसे कैसी बीवी हो तुम, शौहर के दर्द का जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें? बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ नबील, मैं और माजी सुबह से घर के कामों में लगे हुए, मजाल है कि तुमने मदद की हो। अच्छा अब सो जाओ आराम से नबील, और जाओ ये ब्लाइंड बंद करो, एसी का रिमोट उठाओ, एसी बंद करो। बड़ी नाफरमान औरत हो तुम, तुम्हारा क्या जाता था यार, थोड़ा से पांव दबा देती। इधर आओ। मैं नहीं आ रही नबील, तुम भी आकर सो जाओ बस जल्दी से। चलो बाहर, बाहर कोई लड़की है यार? नबील तुम्हें तो हर वक्त बस लड़कियां ही नजर आती हैं। चांदी बड़ी हो गई है यार, शर्म करो, छोड़ दो ये हरकतें। ओ मैं सच कह रहा हूँ जानू, मुझे लगता कुछ चुचुचुचुड़े ले ये। कहाँ भाई कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है नबील। चुचुचुचानू अल्लाह की कसम यहाँ भी कुछ ना, अभी एक औरत है जानू, चला जानू और उसके बाद तुमने फहद मुस्तफा से रोमांस शुरू कर दिया है? हाँ, नहीं 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 फरकान, वो तो खुद ही मुझ पे मरा मिटा जा रहा था, आपने मुझे क्यों उठाया उस वक्त बताएं जरा। अरे हाँ मोमो, खिड़की पे कोई है? खिड़की पर तो पर्दे हैं। अरे खिड़की के बाहर कोई है मोमो? कौन है? अरे भाई मुझे क्या पता, आधी रात को खिड़की के बाहर कौन है? तो जाएं जाकर देखे ना सलमान। महमूद। महमूद है खिड़की के बाहर? अरे महमूद तो मैं हूँ भाई। तो आप खिड़की के बाहर क्या कर रहे? अरे मोमो मैं यहाँ हूँ, खिड़की के बाहर कोई और है। तो कौन है मुझे क्या पता, हमने खिड़की के बाहर ना एक लड़की देखी है, वो मुझे यूं यूं भी कर रही थी। मौसा, मैंने भी देखा था, मुझे तो लगता है वो कोई चुड़ैल है। खुश अवश्य, अब हमारे घर दो दो चुड़ैले होंगे श्री। अरे दूसरी चुड़ैल कौन है भाई? ये बैठी है ना। अरे ये तो खूबसूरत है। हाँ ये खूबसूरत सी चुड़ैल। ओ माँ जी ये तो आपकी बहू है यार, वो जो खिड़की में थी ना वो यकीनन कोई चुड़ैल थी यार। यार नबील जरा जाके सही तरह देखो तो सही, हो सकता है कोई लड़की हो खड़ी हुई। वो जानू तुम कैसे अपने शौहर, इकलौते शौहर को चुड़ैल के पास भेज रही हो? तुमने सुना नहीं है चुड़ैल जो है ना वो खूबसूरत और पुरकशिश मर्दों पर आशिक हो जाती है और अपने साथ ले जाती है। तो मुझे भी बाहर नहीं जाना चाहिए नबील? फिर सब चल के कमरे में सो जाते हैं ना यार। अरे नहीं नहीं जानू, मैं तो आज यही रहूंगा लाउंज में और महमूद साहब के साथ गप्पे लगाऊंगा। हाँ खूबसूरत, मैं और नबील ना यही बैठ के सारी रात पुरानी पुरानी बातें करेंगे। हाँ, मुझे तो नींद आ ही नहीं रही है। ठीक है फिर मैं जाके सो जाती हूँ, आप लोग बैठ के यहाँ डरते रहे। देखा देखा नबील खूबसूरत कितनी बहादुर है। हाँ जी बीवी किसकी है? मैं वैसे मैं भी बहुत बहादुर हूँ, एक बार मैंने एक चुड़ैल की गुत पकड़ के ना उसको चंबे कराए थे ऐसे ऐसे।
क्या हुआ जानो? कुछ नहीं हुआ, मैं सोच रही थी कि मैं भी आप लोगों के साथ बैठ के बातें कर लेती हूँ। देखा कितनी बहादुर है। जानो चलो वो किस्सा सुनाओ जो तुमने मेरी मोहब्बत में अपनी नसें काट ली थी। ऐसा कोई किस्सा नहीं था नबील। ओ जानो शर्मा क्यों रही हो, अपने लोग बैठे हैं, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। शर आप नबील। ओके जानो। वैसे नबील अब मेरे लिए भी ना बहुत सी लड़कियों ने ना अपनी नसें काटी हुई है। बस कर दे यार जानो, मैं तो इधर ही सोने लगा हूँ यार। तुम इतने घबराए हुए क्यों? तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही हैं? मेरी जो कांप रही है वो टांगे हैं। हाँ ना। अरे कुछ नहीं मामू साहब, कुछ भी नहीं। वो बरसल बाहर ना आपका एक अदद मनी ऑर्डर आया है। मेरा? हाँ, ख्याल से जाइएगा। आपको तो पता है सेब घूम रहे हैं। हाँ डराओ तो नहीं आप कौन? इसके तो पाँव भी सीधे हैं। लेकिन हो सकता है आजकल मॉडर्न चुड़ैलों के पाँव सीधे ही आ रहे हो। जी मैं सनम हूँ। किसकी? जी मेरा नाम सनम है और मैं आपकी पड़ोसी हूँ। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं टच करके देख रहा था कि आप असल में लड़की है ना। आप जरा अपनी हद में रहे अंकल। अंकल? अरे कौन अंकल भाई, मेरा नाम महमूद है और मैं सिर्फ अभी 35 साल का हूँ। अगर नहीं यकीन ना तो शनाख्ती कार्ड चेक कर लो मेरा। नहीं नहीं रहने दे, मैं मान गई हूँ। तुम मान गई कि मैं 35 का हूँ? नहीं नहीं मैं मान गई हूँ कि आपका स्क्रू ढीला है। क्या कहा? नहीं नहीं मैं तो कह रही थी कि आप देखने में काफी यंग और डैशिंग लग रहे हैं अंकल। खैर मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, लेकिन देखो मुझे अंकल अंकल मत कहो ना। तो फिर क्या कहूँ? अरे भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा नाम ले सकती हो। ठीक है महमूद साहब। अरे ये हुई ना बात, आओ अंदर चलते हैं। आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारी पड़ोसन है, हमसे मिलने आई है। माशाल्लाह कितनी प्यारी पड़ोसन है। मुस्तकीम ये इतनी तेज खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझसे आ रही होगी मोमो। वो यार महमूद साहब खुदा का नाम माने वो आप हफ्ता हफ्ता तो नहाते नहीं है, आपकी बदबू से तो लोगों को सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है यार, खुशबू मुझसे आ रही है। वैसे बहुत अजीब सी महक है। हाय ये जरूर किसी जिन की खुशबू है। हेलो अस्सलाम वालेकुम भोले बाबा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बच्चे ठीक हैं? अरे यार नबील क्या ठीक ठाक खैरियत पूछ रहे हो तुम, अरे उन्हें बुलाओ जल्दी से। बाबा जी एक काम करें आप जल्दी से आ जाएं। अरे तुम कौन बोल रहा है? बाबा जी मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का दामाद हूँ, आप एक काम करें आप जल्दी से घर पहुँचे। अरे बात सुनो अर्जेंट चार्जेस ना हमारा अलहदा होता है। ओ यार महमूद साहब ये पापा तो बड़ा भारी आ रहा है, कह रहा है अर्जेंट के चार्जेस और होंगे ज्यादा होंगे। अरे तू दे देगी ना यार, तुम्हारे पापा है ना देने के लिए। इतनी बुरी बात है, सारा कुछ मेरे पापा पे डाल दे। अरे बुलाओ ना यार। ओ आ जाए बाबा जी आ जाए, पैसे का मसला नहीं है, पैसा बहुत बहुत। शू लो तो फिर हम आ गया है, अभी तुम्हारे घर का घंटी बजेगा। ओ यार महमूद साहब वो तो कह रहे घंटी बजेगी है। ओ यार मैं मूसा भी तो बज गई घंटी। अरे हम भोला बाबा है, हम आ गए है, फोन को कट करो। अरे भोला बाबा आप इतनी जल्दी फोन से निकल के यहाँ आ गए? अरे बाबा जितना भोला लगता है उतना है नहीं। हमार ओ यार महमूद साहब आपको कितनी बार कहा है अगर डिओड्रेंट नहीं लगा सकते तो फिड़कड़ी तो लगा लिया करें यार। बकवास बंद करो, अरे अभी एक हफ्ता पहले तो नहाया हूँ। अरे बकवास बंद करो, चले फिर आप शुरू करें। महमूद साहब बाबा जी अंदर चले, बाकी सेबों को अंदर जाके सूंघ लीजिएगा। आज सूंघ भी बड़ी तेज है। अरे बाबा जी सूंघे थे पहले, बाबा जी आज अंदर सूंघे। बाबा जी मुझे नहीं मैं सेब नहीं हूँ बाबा जी। बाबा जी आज 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 वो आज वो आज वो आज वो आज वो
पता नहीं ये जर्दे की प्लेट कहाँ से उठा के लाया है। ओ माँ जी, ये जर्दे की प्लेट नहीं है, ये भोले बाबा है। अच्छा अच्छा, शक्ल से तो काफी मकान लगता है वैसे। अरे हमारे को यहाँ दो तरह का खुशबू आ रहा है, एक तो जराबों की होगी, दूसरी ये मियाँ मेरे बदरुद्दीन जो है इन्होंने सवेरे मूली के पराठे खा लिए थे। अरे बेवकूफ औरत, हमारे को दो तरह का खुशबू आ रहा है, एक तो पुलाव का आ रहा है, दूसरा कोरमा का आ रहा है। होश होश, मुझे भी कोरमा पुलाव खाना है। लेकिन हमने तो कोई खाना नहीं पकाया। खुशबू पड़ोस से आ रहा है, तुम एक काम करो, पड़ोस में जाओ और खाना लेके आओ। अरे बाबा जी, खाना बाद में खा लीजिएगा, पहले इस घर के सेब का तो कुछ करें। अरे ये खाना हम अपने लिए नहीं मंगा रहा है, सीखना खाना जो है ना हमारे को हजम नहीं होता है, हम तो सिर्फ पड़ोस जी सुरबा खाता है। ओ बाबा जी, ये खाना आप हमारे लिए मंगवा रहे? अरे हम इतना भोला नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हैं। शक्ल से तो तू एक नंबर का मकार और चलाक आदमी लगता है। अरे बस करो। अरे ये खाना हम अपने लिए नहीं मंगा रहा है, हमारा मुवक्किल भूखा है उसके लिए मंगा रहा है। क्या आशा? हाँ हाँ ठीक है, हम बोल रहे हैं। बस सुनो, खाने के दरमियान में इतना बड़ा कोल्ड ड्रिंक का जोम्बुजेट बोतल नहीं होता है, वो भी लेके आओ। ओ यार महमूद साहब, इससे पहले कि इनके मुवक्किल जो है वो बिगड़ जाए और हमें चिमट जाए। आए मेरे साथ यार, चलो चलो आओ। अरे जब तक ये लोग आ रहा है हमारे को खुश करो। अच्छा जी, चलंगी पखियां नल बड़ा कुछ कर गईयां अखियां, चलंगी पखियां नल बड़ा कुछ कर गईयां। क्या कोई बदतमीजी कर रहा है? अरे खुश करने का मतलब हमारा ये नहीं है, तुम चाय और बिस्कुट से हमारे को खुश करो। पहले बताना था ना, फ्री का डांस देख लिया। चायलों की तरह खा रहे हैं बाबा जी। इसने तो सारा खाना खा जाएगा, मेरे तो पेट में भूख से दर्द हो रही है। ओए, मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए रख भालू बाबा। अरे हम कह रहे तुम लोग चुपचाप रहो, मुवक्किल जिस वक्त खाना खा रहा है उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, वरना मुवक्किल तुम्हारे को सट कर जाएगा। यार नबील कैसे बाबा है, हमारे घर से असेब भगाने आए हैं या हमारे पीछे पड़ गए उल्टा असेब बनकर? बात सुनो, तुम लोग ये क्या खुसर खुसर कर रहा है? बाबा जी, ये लोग कह रहे हैं कि आप बड़े मीसने और फ्रॉडी किस्म के हैं। अभी तुमने हमारा जलाल नहीं देखा है। ये जलाल तुम्हारा पुत्र है बाबे? गुस्सा मोमो गुस्सा। अच्छा ए, आ बाबा जी, तेरी आंखें कौन कौन गोटियां खेलूंगी मैं, छोटा खाना तेरा पेट फाड़ दूंगी मैं। हां क्या कर रही हो मोमो? गुस्सा? अरे चुप कर बदतमीज औरत, हमारा मुवक्किल ऐसे ही नाराज है, तुमने उसको खाने के अंदर मीठा नहीं दिया, जाओ जल्दी मीठा लेके आओ। अभी आपके पेट में मीठे की जगह बाकी है? अरे कितने बार बोला है कि ये खाना हम नहीं खा रहा है, मुवक्किल खा रहा है, मीठा खाना है मुवक्किल को, हम तो नहीं खा सकता मीठा, इसलिए कि हमारे को शुगर है। जा पुत्र, शाबाश, बाबे के नदीदे मुवक्किलों के लिए ना मठियाई ले आ। बात सुनो, अभी हम तुम लोग का बेडरूम में जा रहा है, आराम करेगा। बाबा जी आप आसेब कब भगाएंगे आखिर? अरे जब हम अपना ब्यूटी स्लीप ले लेगा। अरे सिल्ला काटना इतना आसान काम नहीं है, बात करता है। अरे हमको तुम्हारे घर के आसेब से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, ताकत, बात करता है। ओ यार मैं मुसाब, बाबा जी को ताकत के इंजेक्शन ना लगवा दे। गुड आइडिया है जानू, पैसे दो मैं इनके मुवक्किलों के लिए मिठाई ले आऊं। शराब नबील। ओए, तुम मेरे कमरे में इधर बैठा क्या कर रहे हैं? गुस्ताख। मैं गुस्ताख नहीं हूँ, मेरा नाम गुलरुख है। अरे तुम कोई भी है, तुम देख रहा है कि हम इस कमरे के अंदर आराम कर रहा है, तो हमारे आराम के अंदर खलल क्यों कर रहा है? अच्छा चोरी तो उसके ऊपर से सीना जोरी। बेटा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, देख मैं करती हूँ। ये क्या कर रहा है? देख अरे करती क्या हूँ मैं? ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या क्या? अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे हम बोल रहे हैं हमारे को छोड़ो। अरे क्या कर रहा है बताइए? ओ माँ जी, बोमो बोमो इधर बैठो आराम से, क्या कर रही हो? अरे बाहर निकल, मैं तेरा भुर्ता बना दूंगी ढोले बाबा। ओ क्या हुआ माँ जी? ओए पुत्र मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये चोर है कफील। ओ नबील माँ जी। हाँ ये नबील बहुत बड़ा चोर है कफील। अरे मोमो ये शक्ल से चोर लगते हैं लेकिन है नहीं। हाँ माँ जी, अब महमूद साहब को ही देख लें, हालांकि शक्ल से मजे हुए लुटेरे लगते हैं लेकिन है नहीं, है हमारे बड़े मुंह वाले महमूद साहब।
अपनी हद में रहो। ओहो, आप लोग आपस में तो लड़ना बंद करें यार। माँ जी, ये भोला बाबा है जो आसेब भगाने आया था घर से यार। ले तो ये पहले बताना था। चलो ए, अंदर जा, चिल्ला काट तो भूत भगा। तो ठीक है, फोट से 50,000 रुपए निकालो। 50,000? अरे ये तो सिर्फ एडवांस है आसेब भगाने के लिए, बाकी पैसा बाद में लेगा। 50,000 तो हाथों को मेल है। आ जाओ जानू मैं लेके, मेरा मतलब है पैसे लेके आओ। ला रही हूँ नबील, लेकिन अगर इसके बाद आसेब घर से ना निकला ना तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी। ओके जानू, जाओ तुम मैल लेके आओ। अभी मैल लेके आ रही है ये। अगर फरखंदा के पास मैल है तो मेरे पास मसाऊद है। यू मीन मैला? बिल खाना, अंदर चलो, आसेब अंदर बुला रहा है। एक बात बोलेगा? क्या बोलेगा? एकदम ठीक बात बोलेगा। बोले सिल्ला काटने के लिए हमारे को कुछ चीजों का जरूरत पड़ेगा। अब और क्या चाहिए आपको भालू भाई? सफेद उल्लू का दिल चाहिए। नबील, ये तो तुम्हारा दिल मांग रहे हैं बाबा जी। महमूद साहब, और शुतुरमुर्ग का खून 2 लीटर चाहिए। ओ बाबा जी, अब शुतुरमुर्ग कहाँ से लाएंगे हम? अब बड़े मुंह वाले नेवले का खून चलेगा? आशा ठीक है, सुनेगा। ठीक है महमूद साहब, फिर 2 लीटर खून निकालें अपना। खबरदार जो मुझे किसी ने हाथ लगाया तो। हाँ ढोले बाबा, खबरदार अगर मेरे मसाऊद को किसी ने हाथ लगाया ना तो मैं देखना फिर गले में ढोल डाल के ना बाहर निचवाने में नहीं। आशा आशा, हम ऐसे ही सिल्ला काट लेगा, लेकिन इतना याद रखना सिल्ला काटने के दौरान कोई आदमी अपनी जगह से ही लगा नहीं। आशा आशा, तुम लोग कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। कोई भी इस दायरे से बाहर निकलेगा आसेब तुमसे सिमट जाएगा। जाओ जाकर देखो कौन है। ओ नहीं बाबा जी, यार आपने खुद ही तो मना किया इस दायरे से नहीं निकलना, वरना आसेब पकड़ लेगा। और ना करें बाबा जी, मेरी छोटी सी बीवी और बड़ी सी बेटी है यार। अरे बेवकूफ, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया है। जाओ जाकर देखो कौन है। अच्छा चलो फिर ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात करता है, टाप के जाओ। अरे तुम किधर जा रहा है? हियर कम, हियर कम। अरे सनम, तुम कहाँ रह गई थी तुम? देखिए मैं आप सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई हूँ। तुम कितनी अच्छी हो सनम, मुझे तो मेरी अपनी जाती बीवी के हाथ का खाना नसीब नहीं होता। क्यों, आपकी बीवी के हाथ नहीं है? हाथ तो है उसके, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती जो मेरे लिए मजे मजे के खाने बनाए। चले कोई बात नहीं, आपका जब दिल करे आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपके लिए खाना भिजवा दूंगी। और कभी कभी ना हम लोग बाहर जाकर भी खाना खाया करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो शादीशुदा है ना? आप कहें तो अभी छोड़ दो उसे, आप तो शादीशुदा नहीं है। जी जी, मैं तो बस अभी अभी बेवा हुई हूँ। यस, मेरा मतलब है कि बड़े ही दुख की बात है, आपको तो एक हमदर्द साथी की जरूरत है। आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपका गम बांट लिया करूंगा। ठीक है, मैं आपको नंबर दे दूंगी। सच? जी। जरा मेरी बीवी के सामने ना थोड़ा सा कंट्रोल रखना, बाद में ना मुझ पे शक करती है और तशद्दुद करती है बगैर किसी वजह के। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बाबा जी, ये चुड़ैल नहीं है, ये तो बड़ी मासूम सी, प्यारी सी, भोली सी हमारी पड़ोसन है सनम, हमारे लिए खाना ले गया आई। ठीक है, तुम लोग जाके खाना खाओ, बाकी चिल्ला हम अकेले करेगा। वो इशा वशा, मेरे पेट में भी कब से कुत्ते दौड़ रहे हैं। चूहे हाँ, इस घर में चूहे भी हैं। ओ खुदा का नाम, मैंने यार आए खाना गए यार। आओ जानू, आओ जानू, चलो 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 चलो। जबरदस्त, बे मजा आ गया। नहीं बे, वाह वाह वाह, तेरी वाह वाह वाह।
जनम, तुम्हारे हाथों में जादू है जनम, जादू। दिल चाहता है हाथ जोड़ लो। अरे तुम्हारे मोमो, ये ठीक है, साला लग जाएगा सारा। काश तुम मेरी बहू होती, इसने तो कभी भी मुझे ढंग की चाय नहीं पिलाई। आप भूल रही हैं माँ जी, इतने सालों से आपने मेरे हाथ का ही खाना खाया है। हाँ हाँ, जब भी मेरा ना पेट खराब रहता है अक्सर। मोमो हाँ, चुप करके खाना खाओ, देखो कितना लजीज। जनम जान, ये तुमने खाने में क्या मिलाया, सुन से मजे आ गया। हमने सारी जगह चेक कर लिया है, अलमारी में कैश और जेवरात पड़े हुए। तो भी खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा समेट, मैं उन पे नजर रखती। ठीक, चल निकल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते नबील, उठो, ये हम सब इतनी देर कैसे सोते रहे? यार जानू, खाना इतना लजीज था, मुझे लगता है खाते नींद आ गई यार। हाय, मेरी अंगूठी कहाँ गई है? हाय, मेरी भी अंगूठियाँ कहाँ हैं? मेरी भी अंगूठियाँ कहाँ हैं? तो मेरी घड़ी, मेरा ब्रेसलेट। हाय सनम, सनम कहाँ गई? सनम, बाबा जी, सनम, सनम, सनम। यार महमूद साहब, सनम ने मुझे नंबर भी नहीं दिया, चली गई यार। यार नबील, वो बाबा भी नहीं है। यार मेरी चीजें भी सारी नहीं है यार। लो जी, वही हुआ जिसका डर था। क्या मतलब माँ जी? इस बार शुरू में ही लुटे गए हैं। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं।